अस्सलाम वालेकुम, सुन्नूर फैमिली व्लॉग हेयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं यूनिवर्सिटी गई और यूनिवर्सिटी में ये खुफिया साजिशें हो रही हैं, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं। देन उसके बाद बाहर से आवाज़ आई कि बाहर आके देखो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम पूरी क्लास बाहर निकल गए और देखा तो वाकई मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और ये कराची के स्टेडियम रोड का मौसम था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, बट बारिश नहीं हुई। आज मैं अपनी वीडियो में आपको सारे रास्ते और मौसम ही दिखाऊंगी, क्योंकि रास्ते तो प्यारे हो रहे थे और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी, इसलिए मैं आपको वही दिखाऊँ। फिर मैं LRC कुछ पढ़ने के लिए चली गई। गेट पर लिखा था डोंट डिस्टर्ब, तो हमारा एम था अंदर जाके सबको डिस्टर्ब करना। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में कल्चर डे के लिहाज से कुछ हो रहा था, तो उसकी हम लोगों ने प्लानिंग की क्या हो रहा है। फिर यहाँ मैं मम्मा के लिए ऊँटनी का दूध लेने आ गई, जो कि सामने आंटी निकाल ली थी। फिर मैंने यहाँ से दूध लिया, मुझे पापा की कॉल आ गई कि स्कूल की तरफ जाओ और सिस्टर का वाउचर लो। तो मैं स्कूल की तरफ गई, तो ये मैं आपको एयरपोर्ट का रास्ता दिखाऊंगी। तो मैंने आपको कहा है कि आज मेरी वीडियो में मैं सिर्फ आपको रास्ते दिखाऊंगी। ये हमारे एयरपोर्ट का रास्ता है, जो कि बिल्कुल यानी बहुत खूबसूरत। कराची का मौसम हो रहा है और ये रास्ते भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं बारिश के बाद। रोड इतने प्यारे, और ये आप खजूर का दरख्त देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसके ऊपर खजूरें आ रही, क्योंकि बारिश का सीज़न और इस मौसम में हमारे पास खजूरें आती है। इस मौसम में हमारे पास मैंगो वगैरह सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जगह जगह हमें नज़र आते हैं। ये देख सकते हैं आप कराची का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और ये एयरपोर्ट का रोड है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मेरे स्कूल का रोड स्टार्ट हो चुका है, और बारिश के बाद देखें ये फिर भी कितना साफ़ सुथरा रोड है। हमारे स्कूल का रोड ऐसे ही होता है। इस स्कूल में हमने अपने 10 साल गुजारे हैं। तो ये मैं अपने स्कूल पहुंचने वाली हूँ। तो मैं अपने स्कूल पहुंच गई फाइनली, कितने सालों के बाद मैंने अपना स्कूल देखा है, वाह। तो ये है मेरा स्कूल। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊंगी, अब मैं अंदर चली गई और अपनी सिस्टर का वाउचर लेके बाहर आ जाऊंगी। मगर इससे पहले मैं आपको प्लेग्राउंड दिखाना चाहती थी, मगर जो शायद इस वीडियो में आया है या नहीं आया, ये रहा आ गया हमारा प्लेग्राउंड। यहाँ हम खेलते थे। जब मैं स्कूल के अंदर एंटर हुई तो मुझे अपनी सारी फ्रेंड्स याद आने लग गई, सारी ओल्ड मेमोरीज याद आने लग गई, टीचर्स याद आने लग गए। तो फिर मैं घर के लिए निकल गई। ये हमारे स्टार गेट का रोड है। ये कराची के स्टार गेट का रोड है, बहुत प्यारा रोड है। ये भी बारिश के वक्त बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं एक बुल्ले शाह के एक शेर सुनाना चाहूँगी। पहाड़ा ते आंदे सिलाब वेखे, ते कंडिया ते विच रुलदे गुलाब वेखे, अपनी दौलत ते ऐडा मान न कर बंदिया, सड़का ते रुलदे नवाब वेखे। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतनी प्रॉपर एडिटिंग वगैरह नहीं आती। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि मैं कौन सी वीडियोस देखूं, क्या करके अपनी वीडियोस को अच्छे से एडिटिंग करूं। प्लीज़ रिकमेंड मी अ चैनल। और मैं पर नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पर बनाऊं, कि आपको कराची के रोड्स वगैरह प्रॉपर तरीके से दिखाऊं, या किसी मार्केट का विजिट करवाऊं।